फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप बैडमिंटन में सर्विस करते हो तो आपको कैसे स्टैंड होना है, और जब आप सर्विस रिसीव कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको कैसे स्टैंड होना है, यानी कि आपको जो स्टैंडिंग पोजिशन है वो कैसी होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है जो कि हमेशा गलत खड़े होते हैं, और जब आप अगर गलत खड़े होगे, आपकी रैकेट की पोजिशन गलत होगी, आपके पैरों की पोजिशन गलत होगी, तो आप फिर शटल को अच्छे से नहीं मार सकते हो। इसीलिए आपको एक सही तरीके से खड़ा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई सर्व कर रहे हो या सर्व को रिसीव कर रहे हो। तो चलो जानते हैं कि सही तरीका क्या है। तो देखो, जब आप सर्व करते हो तो बहुत सारे लोग कैसे खड़े होते हैं, ऐसे देखो, ये राइट लेग, यानी कि जो राइट हैंडेड प्लेयर है वो अपना राइट लेग आगे रख देते हैं और शटल को ऐसे पकड़ के ऐसे मारते हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखो, ये तरीका गलत है, क्योंकि अभी आप शटल को ऐसे मार रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसे खड़े नहीं होना है। इस समय जो आपकी बॉडी है इम्बैलेंस है, ठीक है, आपकी बॉडी में उतनी अच्छी बैलेंस नहीं है, तो आपको कभी भी ऐसे करके सर्विस नहीं करना है। अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हो और आप एक हाई सर्व कर रहे हो तो आपको इस तरह से खड़ा नहीं होना है, क्योंकि इस समय देखो आपका रैकेट जो है अभी पीछे से आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब आपका रैकेट पीछे गया है, राइट हैंड का रैकेट पीछे, आपका राइट आर्म जो है वो पीछे है, तो जो आपका राइट लेग है वो भी पीछे होगा, यानी कि इस जो लेग को है इसको हम पीछे रखेंगे, देखो इस तरह से ऐसे, और हमारा जो लेफ्ट लेग है ये आगे रहेगा, ठीक है। ये देखो हमारा जो स्टैंडिंग पोजिशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और आपको ऐसे खड़े होके आपको धीरे से अपने लेफ्ट लेग के ऊपर बॉडी वेट लाना है, यानी कि देखो ये खड़े ऐसे, अब ऐसे करके ये आए, आगे की तरफ आना है, उसके बाद अब ये शटल को छोड़ना है यहाँ से और ये करके ऐसे मारना है, ठीक है। तो आपको देखना, आपको ऐसे खड़े नहीं होना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका गलत पोजीशन है, क्योंकि जब तक आप सही से नहीं खड़े होगे, जब तक आप सही से सर्व नहीं करोगे खड़े होके, तब आप फंसे जाओगे। क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे करोगे, आपने सर्व किया और अगर शटल उधर से मार दिया उसने उधर, तो आपको फिर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपको जब भी सर्व करना है, जब आप पीछे सर्व कर रहे हो तो आपको अपना राइट लेग पीछे रखना है। तो अभी देखो आप बैक हैंड सर्व कर रहे हो, तो जब आप बैक हैंड सर्व कर रहे हो तो देखो आपका जो राइट हैंड है, अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हो तो आपके यहाँ आगे रहेगा, और अगर आप लेफ्टी हो तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आगे रहेगा। तो इस समय खड़े होने का पोजीशन अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी आपका जो राइट हैंड है ये आगे आ गया है, तो जब आपका राइट लेग है ये भी आगे आ जाएगा, यानी कि देखो अब ये हमारा पोजीशन ये रहेगा, ठीक है, और हमारा पोजीशन स्टैंडिंग ये रहेगा। अभी देखो राइट हैंड आगे, राइट लेग आगे, और राइट हैंड पीछे, राइट लेग पीछे, बस यही एक सिंपल सा फंडा है कि जब आपका राइट हैंड पीछे गया, जैसे आप ये हाई सर्व कर रहे हो तो राइट हैंड देखो मेरा पीछे तरफ है, तो इस समय मेरा राइट लेग पीछे, और अगर राइट हैंड आगे तो राइट लेग आगे, ये आपका जब भी आप सर्व कर रहे हो तो आपका खड़े होने का पोजीशन हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको सर्विस करते समय कैसे खड़े होना है, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ये है कि जब आप सर्विस रिसीव कर रहे हो तो आपको कैसे खड़े होना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सर्विस रिसीव करने के समय सही से खड़े नहीं होगे, आपका रैकेट का पोजीशन सही नहीं होगा, तो आप शटल के ऊपर अपना कमांड नहीं कर पाओगे। तो देखो आप जब सर्विस रिसीव कर रहे हो तो आपको कैसे खड़ा होना है, तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान देना है वो आपको देखो, जैसे आपने बताया था आपको कि जैसे आप हाई सर्व करते हो तो आपका राइट लेग पीछे, तो सेम आपको पोजीशन यही रखना है, और उसके बाद आपको अपने रैकेट को ऊपर रखना है, यानी कि जो रैकेट है ऐसे ऊपर, और आपका जो बॉडी वेट है ना वो आपके लेफ्ट लेग पे आएगा, ज्यादातर आपका जो बॉडी वेट है वो आपके लेफ्ट लेग पे होना चाहिए। क्योंकि मैंने नॉर्मल लोगों को देखा, वो कैसे खड़े होते हैं, देखो ऐसे, यानी कि ऐसे नॉर्मल खड़े, जैसे सर्विस रिसीव कर रहे हैं ना, मान लो उधर से कोई सर्व कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे खड़े नहीं होना। तो इससे मैं देखो मेरा रैकेट जो है ये नीचे है, ठीक है, और मेरा जो बॉडी वेट है वो राइट लेग पे है, तो इस तरह से मैं अपने बॉडी को पूरा इसके ऊपर, जमीन के ऊपर अपना पूरा बॉडी वेट रख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना लो ग्रेविटी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो देखो जब आप लेफ्ट लेग पे ऐसे आते हो ना तो आप अपना लो ग्रेविटी क्रिएट कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि आपको मूवमेंट करने में इजी होता है, यानी कि शटल कहीं पर भी आती है तो आप वहाँ पर क्विकली जा सकते हो, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको लेफ्ट लेग पे आना अपने बॉडी वेट को लेकर, और ऐसे। तो देखो जब आप ऐसे खड़े होते हो ना, तो आप जब ऐसे खड़े हो तो आपके चेहरे पे एक एंग्रीनेस और एक एग्रेसिव, ये दो चीज दिखने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सामने वाला प्लेयर है ना उसके मन में एक डर बैठता है, तो डर बैठता है ना, तो जब सर्व करेगा, यानी कि वो जब भी सर्व आगे करेगा ना, तो आप उस पर टैप करके किल करके एक पॉइंट ले सकते हो, तो सामने वाला डर जाएगा कि अगर मैं सर्व आगे करूंगा तो ये मारेगा, ठीक है ना, तो उसको ना चाहके भी वो पीछे ही सर्व करेगा। अब सोचो अब उसको पीछे सर्व करना पड़ेगा, तो जब वो पीछे सर्व करेगा तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप उसको पीछे से पीछे भगा सकते हो, ठीक है, तो आपको आप उसको मजबूर कर दोगे कि सर्विस हमेशा पीछे ही करें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिसीव कर रहे हो आपको ऐसे खड़े नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है, देखो यार राइट लेग पीछे रख लिया, लेफ्ट लेग आगे और रैकेट ऐसे नीचे, ठीक है, और बहुत लोग ऐसे खड़े होंगे, ये भी गलत है, इसमें तो पूरा पोजिशनिंग ही गलत है। देखो कैसे मैं गलत तरीके से खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं खड़ा होना है। आपका सही तरीका क्या है, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, अपने को बॉडी वेट जो है अपने को ना थोड़ा नेट से ऊपर उठना है, ठीक है, यानी कि नेट है ना, तो अपने को ऐसे ऊपर की तरफ उठना है। तो देखो हम जब नेट के ऊपर होंगे तभी जब शटल आएगी तो हम उसको एकदम से टैप कर देंगे, तो एकदम स्पीड से जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको एक पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जब नेट के ऊपर हो तो शटल को आप ऊपर से टैप कर सकते हो। तो देखो आप ऐसे खड़े हो, एकदम एक्टिव नहीं हो, आप बिल्कुल एकदम लेजी की तरह खड़े हो, तो आपको बस शटल आएगी तो आपको क्या करेंगे, अभी आपका रैकेट नीचे है, आप रैकेट लाओगे, उसके बाद शटल आ जाएगी, तब तक आपको शटल को ऐसे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप रैकेट नीचे रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो रैकेट है ना ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर, ये देखो यहाँ से ऐसे,
यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे देखो, इधर देखोगे ना आप ध्यान से, तो ये देखो यहाँ एक L बना रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये ऐसे और ये ऐसे एक L दिख रहा है, ठीक है। तो ये L बना, तो ये L अब ये, ठीक है, अपने को ऐसे खड़े होना है। अब देखो ये ऐसे, ये हमारा रैकेट पोजिशन। और जो हमारा ये रिस्ट है ना, ये रिस्ट को ऐसे डाउन नहीं रखना है, रिस्ट को ऐसे अप, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ। देखो ये नेट के ऊपर रहेगा, ये अप, ठीक है। ये रिस्ट ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। देखो ये रैकेट और ये रिस्ट ऐसे, देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ, जो रैकेट है ना हमारा ऐसे हेड, रैकेट का हेड जो है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए ऐसे, देखो ये, ठीक है ना। फॉरेन ग्रिप है, देख लो फॉरेन ग्रिप। अगर आपने देखा नहीं है कि वीडियो कैसे फॉरेन ग्रिप और बैकहैंड पकड़ते हैं, तो वो वीडियो देख लो। और मैंने एक ग्रिप करेक्शन का ही वीडियो बनाया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो देख लोगे तो फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा कभी भी, आप फिर कभी भी बैकहैंड और फॉरेन ग्रिप में कभी कन्फ्यूज नहीं होगा और आपकी जो ग्रिप है वो सही हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देखो ऊपर में दिख रहा है आई बटन, यहाँ से देख लो जाकर, ठीक है। इसमें मैंने वो लिंक डाल दी, ये वीडियो देखना आपको जरूर हेल्प करेगी। ये बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें ग्रिप करेक्शन की, आप कैसे आपको पता चले कि आप रैकेट सही तरीके से पकड़ो। तो ये वीडियो देखो, आपको फिर कभी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। तो देखो, ठीक है, अभी क्या है, आपका जो रिस्ट है ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे। अब देखो ये यहाँ पे, तो अभी देखो आपके चेहरे पे ना एंग्रीनेस और एग्रेसिव दिखना चाहिए, सामने वाले को डर लगना चाहिए कि भाई मैं सब करूँगा तो मारेगा, बस फोड़ देगा, ठीक है। तो उसको जब डर लगेगा ना, तभी वो शटल पीछे देगा। अगर उसको डर नहीं लगेगा ना, तो कहीं देगा आप तो फिर ऐसे ही लेजी की तरह खड़े रहोगे, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा उसके मन में डर बैठाना है, जब सामने वाला डर गया ना, तो वो एक मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया, वो कॉन्फिडेंस लूज कर गया तो बस आपको पॉइंट ही मिलेगा, आप बस फिर टेंशन मत लो, ठीक है ना। इसीलिए आपको पहले ही डरा देना, खड़े होने के तरीके से ही डरा देना है। तो देखो ये खड़े हुए, ठीक है, ऐसे, ये नहीं रैकेट ऐसे, नहीं रैकेट ऐसे, नहीं ऐसे, नहीं ऐसे नहीं खड़ा होना, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड आपका ऊपर, रैकेट यहाँ ऊपर और ये ऊपर, ये अब देखो। अब शटल कहीं भी आया, अगर शटल वो आगे सर्व करता है, जैसे मान लो अपने को खड़े यहाँ पे होना है, मेन चीज़ क्या है ना कि अपने को एकदम आगे भी नहीं खड़ा होना है, अपने को एकदम पीछे भी नहीं खड़ा होना है, ठीक है। देखो क्यों आगे क्यों नहीं खड़ा होना है, क्योंकि अगर आप ऐसे आगे खड़े होगे तो आपको क्या होगा, शटल पीछे जाएगी। जब शटल पीछे सब जाएगी ना, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप अभी सिंगल खेल लो तो आपको सिंगल में आगे नहीं खड़ा होना है, जब आप डबल खेल दो तो आप आगे खड़े हो सकते हो, लेकिन सिंगल में आपको आगे नहीं खड़ा होना है, तो आपको सिंगल्स में थोड़ा पीछे की तरफ खड़ा होना है। यानी कि पीछे का मतलब ये नहीं कि बहुत पीछे, थोड़ा सा जगह छोड़ के आगे, देखो इतना जगह छोड़ के यहाँ पे खड़ा होना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर शटल जब सब हाई सब जाएगी यानी कि पीछे जाएगी, तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा कि आप पीछे जा सकते हो। बट अगर आप जैसे पीछे खड़े रहोगे, तो अगर शटल वहाँ जाएगी ना, वहाँ पे उस कॉर्नर पे, तो आपको फिर ऐसे जाके ऐसे मारना पड़ेगा, तो आप ना चाह के भी आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप प्लेसमेंट करोगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा आगे खड़े होना है, क्योंकि अगर जब आप आगे खड़े रहोगे, ठीक है, तो आप ऐसे खड़े हो। तो अभी देखो अगर वो शॉर्ट सर्व करता है, यानी कि वो शॉर्ट सर्व इधर करता है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हम जाके उसको टैप कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हम जब यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ना ही ज़्यादा पीछे ना ही ज़्यादा आगे, मतलब थोड़ा सा इतना यहाँ छोड़ के यहाँ पे खड़ा होना है। अब ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, अब सर्व आएगी और ये बस टैप, ठीक है। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपको कैसे टैप करना है। तो अभी आपने देखा कि जब भी अगर आगे शॉर्ट सर्व करेगा तो मैं उसको वहाँ से टैप कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर इनकेस अगर वो पीछे सर्व करता है, तो देखो अभी मैं उसको भी कैसे मार सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मैं रेडी हूँ कि वो शॉर्ट सर्व करे, वो शॉर्ट सर्व करेगा तो मैं टैप करने के लिए रेडी हूँ, बट वो शॉर्ट सर्व ना करके पीछे करेगा, तो देखो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो अभी आपने देखा कि जब शटल अगर उसने पीछे सर्व किया, तो भी मेरे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि मैं उसको स्मैश मार सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोला था कि आपको यहाँ पे आगे खड़ा होना है, तो आपको अगर सर्विस पीछे भी आएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको इजीली जाके किल कर सकते हो। सो आई होप अभी मैंने आपको क्लियर किया होगा कि आपको कैसे खड़े होना जब आप सर्विस रिसीव कर रहे हो, और आपको कैसे खड़े होना जब आप सर्व कर रहे हो। सो अगर अभी आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख ठीक दिख रहा है, वीडियो ही नहीं बन रहा था। हम कहते